अपनी ब्लैसिंग दे लई हमेशा तैयार रहो। जे ताड़ी तैयारी है तो ब्लैसिंग ताड़ा इंतजार कर रही है, बस तानू मिलन वास्ते। बंधन टुटने ही टुटने हैं। आमीन। बहुत ठंडा है आज, मौसम दे हिसाब ना ठंडे ना हो जा करो। मैं गर्म आना पूरा देख रहा ना, तू इस स्टेज ते आंदे तुसी देखिया खुदा दे कम्मां नू। मैं तुहानू दस्या है कि जे तुसी ठीक हो, टीम ठीक है, तो तुसी इस पास्टर नू जो तो इस अभिषेक नू इस वचन नू खोलते देखोगे तो तुसी आप हैरान हो जाओगे। परेशान ना करो आत्मा नू, साथ दिओ आत्मा दा, फिर वेखो आत्मा किवें काम करदा। अभिषेक हमेशा जूला तोड़दा है, हमेशा याद रखो ये गल। सुपर गवाहियां ताड़ा इंतजार कर रही हैं, सुपर ब्लैसिंग ताड़ा इंतजार कर रही हैं। अज दा वचन, अज दी प्रार्थना, अज दी सारी ग्रेस, अज ताड़ी आत्मक ग्रोथ होवेगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। कोई नहीं रोक सकता ताड़ी आत्मक ग्रोथ तो तुहानू। जे तुसी परमेश्वर नाल सही हो ताड़ी आत्मक ग्रोथ होनी होनी है। परमेश्वर की आवाज कान ला के सुननी है, तुसी कान ला के, अन सुनी नहीं करनी, कान ला के सुननी है। जे तुसी परमेश्वर की आवाज कान ला के सुनोगे फिर तुसी सुपर गवाहियां देखोगे। हमेशा तुसी परमेश्वर की आवाज कान ला के सुननी है। अपना कान सिर्फ परमेश्वर वर रखना, ओदी आवाज सुननी है। आत्मक कान, आत्मक आवाज अपने अंदर पैदा करनी है। तुसी वो आवाज जाएगी, अंदर जाएगी, फल लेके आएगी। जे मैं तुहानू दस्या सी जड़ी जबान की कर सकती है, तुहाडियां अखां की कर सकदियां है, इदां ही तुहाडा एक कन्न है जिहड़ा परमेश्वर की आवाज क्लीयर सुन सकता है। पर जे इहनू असी आत्मा च तैयार कर लईए तां, जे आत्मा च असी तैयार नहीं हाँ, फिर असी कदे भी इस कन्न दे नाल परमेश्वर की आवाज नू क्लीयर कदे नहीं सुन सकते। बाइबल च लिखिया अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज नू सुनन तो बाद फैसला लिया। पिता ने कहा अपने पिता दे घर नू छड़, जिहड़ा देश मैं तैनू दिन्ना उत्थे जाके वस। उन्हें परमेश्वर की आवाज़ सुन के उस देश विच वस्या जाके, भावें उन्हूं मुसीबतों का सामना करना पिया, संघर्ष लड़ना पिया, पर बाइबल दसदी है उन्हें पिता की आवाज़ सुनी, सुनन तो बाद उस देश विच वो गया। तो बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने उहदे नाल जिहड़े वादे किए उन्हें कान ला के सुने। प्रूफ दिता परमेश्वर ने, आसमान के तारिया नू दिखाया परमेश्वर ने, कहा वेख इन्नी तेरी संतान होवेगी। समझो कि परमेश्वर वादा करता तो पूरा भी करता है। उहदी आवाज कान ला के सुनो तो एक्शन लो। जदों परमेश्वर तुहानू कोई आवाज़ दवे, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जे लेट हो गए, जे तुसी लेट हो गए, समझो मैं वचन दे रहा, शब्द बोल रहा, तुसी लेट हो गए, ताड़ी आशीष गई, तुसी चंगे नहीं हो सकते। मैं प्रे कर रहा, मैं तुहानू वचन दे दिता, तुसी अखां खोल के बैठे हो, तुसी हीलिंग नहीं लै सकते। तुहानू हीलिंग लैण लई डीप जाके खुभना पवेगा, तो आवाज़ वल ध्यान देना पवेगा कि वह आवाज़ परमेश्वर मैनू मारे, मेरे कन्ना विच आवे, मेरे अंदर जाए, तो मेरी हीलिंग ते मेरी गवाही आज ही होवे यीशु मसीह दे नाम विच। तारीफ छोटी है चर्च, ठंडा ठंडा ना करो, जोर से बोलो आमीन। किन्ना नू समझ आ रही है मेरी गल अज? हर वो चीज बदल जाएगी जे तुम बदलना चाहोगे, तां हर वो समा बदल जाएगा जे तुसी उन्हूं बदलना चाहोगे। तां परमेश्वर ते विश्वास रखो, भरोसा रखो परमेश्वर दे उत्ते, वो सारा कुछ कर सकदा। सिर्फ उहदी सुनो, जिद्दन नूं कहिंदा उद्दन नूं चलो। अब्राहम ने सुनिया ते चलना शुरू कर दिता। बाइबल च लिखिया सुनदा रहा अब्राहम, सुनदा रहा परमेश्वर दी। जिद्दन पुत्र भी मिल गया, इसाक पैदा भी हो गया, उद्दन भी सुनदा रहा। परमेश्वर ने कहा चल अब्राहम,
मेरे च सिद्ध हुंदा जा, वधदा जा, मैं तैनू देंगा संतान। बाइबल च लिखा संतान मिल गई। परमेश्वर ने कहा चल अपने पुत्र नू चक उस पहाड़ ते चल उसका बलिदान दे दे। उदों भी सुनदा रहा, अपने पुत्र नू लिया पहाड़ दे उत्ते चला गया, सुनदा रहा जिवें परमेश्वर कहिंदा रहा, करदा रहा अब्राम। तां ही तो बाइबल च लिखा सब तो सुपर, बाइबल च लिखा सब तो उत्तम टाइम दे विच जिथे परमेश्वर ने मूसा दे टाइम दे उत्ते मूसा नू कहा मैं अब्राम इसाक जकूब दा परमेश्वर हाँ। कहिंदा मैं मुड़दियां लोकां दा नहीं, मैं जीवत लोकां दा परमेश्वर हाँ, मैं अब्राम इसाक जकूब दा परमेश्वर हाँ। इहदा मतलब है परमेश्वर मुड़दियां दा नहीं, जीवत लोकां दा परमेश्वर है। तो अब्राम जीवत है, अब्राम जिंदा है, इसाक जिंदा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? किन्नू उन्हां नू मर गए, वह मर गए फिर भी अज जिंदा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं मरे लोगों का परमेश्वर नहीं, मैं जीवत लोगों का परमेश्वर हाँ, मैं अब्राम इसाक जकूब का परमेश्वर हाँ। आमीन। तारीफ छोटी है तुहाडी, जे तुसी परमेश्वर की आवाज़ सुनते हो वह ताडा परमेश्वर है, वह हरजीत का परमेश्वर है, वह सोनू का परमेश्वर है, वह रवि का परमेश्वर है, वह राजू का परमेश्वर है। समझ आ रही नहीं आ रही? जे तुसी उहदी आवाज़ सुन के फैसला लैंदे उहदे पिछे चलदे हो ताडा परमेश्वर है। आमीन। मैं अब्राहम इसाक जकूब का परमेश्वर हाँ, मैं पापी वह लोगों का परमेश्वर नहीं हाँ जिहड़े अन आज्ञाकारी आ, मैं उन्हां दा परमेश्वर हाँ जिहड़े आज्ञाकारी है। वह ताडा परमेश्वर उदों बनेगा जदों तुसी उहदी आवाज़ कन्न ला के सुनोगे। बहुत सारे लोग कहिंदे आ मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वह सिर्फ उन्हां लोगों का परमेश्वर आ जिहड़े उहदी आवाज़ कन्न ला के सुनते ने। नहीं तो बहुत सारे दा लोगों का सिर्फ नाम का ही परमेश्वर आ, उन्हां नू लगता आ कि साडा परमेश्वर आ, पर वह पवित्रताई वालियां दा परमेश्वर आ। हालेलुया। नाम दे नाल कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, अपने आप नू कोई साई बनाउंदे नाल क्रिश्चन बहान दे नाल स्वर्ग नहीं जा सकता। 20 साल 40 साल कोई मैटर नहीं करता हैगा, उहदी गल नू सुनना फॉलो करना। बाइबल दे विच लिखिया उसे डाकू ने उस टाइम उस समय, वह कोई 20-25 साल का विश्वासी नहीं सी, 2-3-4 मिनटां का विश्वासी सी जिहड़ा स्वर्ग च बैठा सब तो पहला। हाँ, कोई 20-25 साल का विश्वासी नहीं सी, बड़ी उन्हें वर्शिप आराधना नहीं की सी, पाप किया सी, क्रिमिनल बंदा सी, चोर सी, व्यभिचारी सी, अटैक करदा झूठ सब कुछ उहदी जिंदगी सी, पापी सी टोटल ए तो लाके जड़ तक पूरा पापी बंदा कुछ सकेंट कुछ मिनटों में स्वर्ग का अधिकारी बन गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पिता की आवाज़ नु सुनिया। पिता ने कहा हाँ, उसने कहा हाँ मैं कबूल करदा, यीशु मसीह ने कहा यस, खुशी दे नाल कहा, क्योंकि उहदी खुशी जब उन्हें कहता ना कोई तू मेरा परमेश्वर है तू मेरा पिता है मेरे नाल गल्लां कर मेरे नाल बैठ मेरे नाल चल, उदो खुश हुंदा। जब असीं यीशु मसीह नू उहदा परमेश्वर का पुत्र मनते कबूल करते हैं उन्होंने जिंदगी दिने वो खुश हों। बाइबल च लिखा पत्रस चेलियां प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां कहा दुनिया की कहती आ परवाह नहीं, तुसी की मैं समझ दो कि मैं सच्ची तो मैं परमेश्वर का पुत्र समझ दो या सिर्फ एक नबी समझ दो। पत्रस बोलिया कहता हाँ 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 मैं परमेश्वर का पुत्र समझदा हाँ, तू परमेश्वर का ही पुत्र हाँ। खुश होके आनंद होके परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पत्रस नूं बरकत दिती, कहिंदा जा तेरे द्वारा मैं कलीसिया खड़ी करांगा, थम बनावांगा मैं तैनू। हालेलुया। एदा ही प्रभु यीशु मसीह उस टाइम खुश हो गए जदों डाकू ने बोलिया कि हाँ मैं मानदा तू ही मुक्तिदाता है, अपने राज विच मैनू चेते रखी। प्रभु यीशु मसीह ने खुश होकर प्रसन्न होकर क्या कल दी परसों दी चौथ दी केड़ी गल करना, स्वर्ग राज दा राजा तां मैं आ, स्वर्ग राज दी कलम तां मेरे हाथ विच आ, स्वर्ग राज दीआं चाबियां तां मेरे हाथ विच आ, तू कल परसों चौथ दी गल ना कर मेरे पुत्र, तू मैनू कबूल कर लिया है, तू अज ही मेरे नाल स्वर्ग विच होवेगा। तारीफ छोटी है, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनो उसके पिछे चलो। जे पास होना चाहते हो, जे पास होना चाहते हो परमेश्वर की आवाज़ सुनो उदे पिछे चलो, त्याग दो सारा कुछ, छड़ दो पाप नू, उही फैसला लो जो परमेश्वर कहता हाँ दी हाँ ना दी ना।
कहिंदा तेरी हाँ दी हाँ ते ना दी ना, चर्च आना ते आना, फिर वो नहीं कि नहीं आना, आना तो आना, वादा करता ते करता, नशा छड़ता ते छड़ता, फिर मतलब नहीं उन्हों पीना ना उन्हों खाना, चुगली छड़ती ते छड़ती, बेबिचार छड़ता ते छड़ता, खास गर्लफ्रेंड फ्रेंड छड़ता ते छड़ता, गलत फिल्मा देखनिया छड़तियाँ ते छड़तियाँ, हाँ ते ना ना, हाँ हाँ ना, बहुत वड्डी गड़बड़ी है। हाँ हाँ परमेश्वर कवे यस तो यस, यस सही तो सही, हट ना ते ना, समझ आ रही है। जो तो शैतान आन के डबल माइंड करदा, एक पासे एक आवाज आंदी कर, एक पासे एक आवाज आंदी ना कर, ना कर मतलब गलत काम ना कर, कौन है होली गोस, एक पासे आवाज आंदी कर, कौन है शैतान, अंदर नहीं है दूरो नेटवर्क करदा है और दूरो रेंज कर लेंदा, दूरो ही कैच कर लेंदा तेरे दिमाग नूं। तुसी इत्थे बैठे हो अमेरिका गल कर सकते हो फोन ते, अज होन बंदा उत्थे बैठा, एक उत्थे बैठा एक इत्थे बैठा, तुसी उत्थे गल कर सकते हो, ते वो शैतान ने किड्डा दुनिया का सब तो वड्डे नेटवर्क फैलाए हुए ने, भावे वह तुसी किथे हो भावे वह किथे आ, वो तुहाडे मन च गल्लां पांदा रहेगा, आ कर, तुसी कहना नहीं करना, आत्मा कहेगा नहीं, वो कहेगा कर, एक अंदरों आवाज आएगी नहीं, एक आवाज आएगी कर, तुसी फैसला करना करना ज नहीं, जे तो तुसी कहता भी वह काम गलत है नहीं करना, तुसी बाइबल नूं जान चुके हो, परमेश्वर की आवाज़ नूं सुन चुके हो, तुसी कहोगे वह काम नहीं करना, नहीं करना ते नहीं करना, बस शैतान भावें 100 वारी एक गल कवे, कर कर कर, बेबिचार कर कर, झूठ बोल, नशा कर, गालियां कढ, और 100 वारी इको ही गल बोली जावे, तुसी लास्ट ते आत्मा विच एक ही गल बोलनी आ, गेट ज्यादा नहीं बहस करना, ज्यादा दबके भी नहीं मारने, एक दबका 1000 किलोमीटर तक दूर डिगे शैतान, एनी जुरत रखो एनी पावर रखो अपनी लाइफ के विच, एक दबका लखां पदरुआं खड़ियां कंब जान, एक दबका, ये नहीं एक भूतनी ते 100 दबका ते तां भी भूतनी हिले ना, हाँ 100 दबके मारो एक भूतनी खड़ी आ वो भी नहीं हिली, वो भी नहीं हिल रही, कमी कहदे विच इंसान विच, क्योंकि वो हाँ दे नाल हाँ नहीं, ना दे नाल ना नहीं, क्योंकि वो आत्मा दे नाल नहीं है। परमेश्वर की आवाज़ कान ला के सुनो, वो तानू इन्ना उच्चा करेगा, इन्ना ब्लैस करेगा कि तुसी खुद देखोगे अपनी तरक्की नू, तुसी खुद देखोगे अपनी ब्लैसिंगा नू। अब्राहम उसकी आवाज़ नू सुनता रहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तुसी उहदी आवाज़ सुनोगे वो ताड़ी आवाज़ सुनेगा। एलिया नू परमेश्वर ने कहा उस नाले च जा, उस नाले विच रह, उत्थों दा पानी पीवी, मैं पहाड़ां दे कावां नूं ठहरा दिता आ, वो आणगे ते तेनू पालणगे, तेरे लिए वो मास लैके आणगे। परमेश्वर की आवाज़ सुन के एलिया उसे नाले विच रहा, ते जदों एलिया ने प्रार्थना की असमान तो अग उतरी, बाइबल इस गल का प्रूफ दिंदी है, हाँ जा ना, हाँ जदों एलिया ने प्रार्थना की अग उतरी, क्योंकि एलिया परमेश्वर की आवाज़ सुनता सी, परमेश्वर एलिया की आवाज़ सुनता सी, कहिंदा मैं तेरी आवाज़ सुन सकदा, मैं कोई बहरा नहीं हाँ, समझ आ रही है। तुसी पुलपट ते आंदे वेख्या, प्रार्थना शुरू की, प्रभु ने मेरी सुननी शुरू की, लोग हील होने शुरू हो गए। परमेश्वर ताड़ी आवाज़ सुनेगा, पर उस तो पहला तानू ओदी आवाज़ सुननी पएगी। जे पिता ने कहा चल अज परेज रहना, तू किते नहीं जाना, तू परेज रहो, परमेश्वर ने कहा अज बाइबल पढ़नी है, पढ़ो बस। परमेश्वर की आत्मा ने कहा अज तू फैमिली नाल टाइम बिताना, राइट फैमिली नाल बिताना, भावें दोस्तों स्पैशल टाइम क्यों ना दिता हो, नहीं जाना दोस्तों के कोल, नहीं जाना सहेली कोल, अपनी फैमिली नाल बैठ के खाना खाना टाइम बिताना बस। परमेश्वर का आत्मा कहे तेरा पड़ोसी तेरे आस पास जो 4 घर छड़ के एक विधवा रहती है, जा उन्हें 1500 रुपये का राशन दे के आ। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कहे चको 1500, भावें ताड़े कोल नहीं भी है कुछ भी आ, थोड़े आ जा दे कुछ भी आ,
चको वह नहीं देखना ज्यादा जा वह नहीं देखना थोड़ा चको उन्होंने राशन दे के आओ क्योंकि बाइबल च लिखा जरा आवाज सुनेगा वो सौ गुना पाएगा वो आशीष पाएगा वो उच्चा उठाया जाएगा वो ब्लैस होगा वह बोलबाला होगा आमेन। तारीफ छोटी है चर्च परमेश्वर का आत्मा कहे व्यभिचार नहीं करना नहीं करना परमेश्वर का आत्मा कहे खास अपनी फ्रेंड गर्लफ्रेंड नु छड़ दे छड़ना ही छड़ना है जे परमेश्वर की आत्मा ने कहा छड़ना तो छड़ना ही है जे परमेश्वर की आत्मा ने कहा खास तू भावे उन्हें जिन्ना मर्जी प्यार कर दी है तू उन्हें छड़ना है क्योंकि वो तेरी जिंदगी लिए सही नहीं है वो तेरा हम सफर नहीं है जेड़ा मैं तेनू दियांगा वो ही तेरा हम सफर है फिर उन्हें छड़ना तो छड़ना ही है कुछ भी हो जाए दिल की नहीं सुननी भावना की नहीं सुननी मेरा दिल टुट जाएगा मेरे मैं किदा जीवांगा मैं किदा जीवांगी नो जे परमेश्वर तुहाडे नाल है वो जीना भी सिखा देगा क्योंकि टुटे दिल जोड़न वाला बैठा है ना वो जोड़ देगा वो किन्ना भी खिल रहा दिल क्यों ना होवे उन्हें जोड़ सकता है वो किन्ना भी खिल रहा क्यों ना होवे दिल उन्हें जोड़ सकता है यीशु मसीह आमेन। तुसी अपना दिल तोड़ के तो देखो एक बार तोड़ के तो देखो वो ला के तो देखो फिर ऐसा जोड़ेगा हिस्ट्री के विच तुहाडा दिल किसी ना नहीं लगेगा सिर्फ वो लगा रहेगा। तुहाडी तारीफ छोटी लगती है मैनू और चर्च ठंडा नहीं गरम आमेन। कहो मैं रिसीव करता अज का वचन जोर से बोलो मैं रिसीव करता अज का वचन हालेलुया। बस परमेश्वर की आवाज सुन के डायरेक्ट फैसला लेना कि मैनू परमेश्वर जो कह रहा वो सही कह रहा अपने नबियां के द्वारा बाइबल च लिखा कोई अज ते परमेश्वर गल्लां करता कदों दिया शुरू हुई हूँ तक लगातार प्रभु ते गल कर रहा बाइबल च लिखा कोई धरती की ऐसी गल परमेश्वर अपने बिना नबियां तो प्रगट नहीं करता परमेश्वर डायरेक्ट ते कदे गल नहीं करेगा आन के घर परमेश्वर गल करेगा इतने करेगा अपने नबी के द्वारा करेगा। तो बाइबल च लिखा वो गल्लां नू एवें अनसुना ना करो तुहानू न्याय देना पवेगा हर एक गल का अन सुना ना करो इन्हां गल्लां नू सुनो समझो ये परमेश्वर दियां गल्लां आ परमेश्वर की आवाज़ मैं कन्न ला के सुननी आ जो मेरा मेरा दास अगुआ परमेश्वर का आत्मा मैनू कह रहा आ मैं उहनू काम नू नहीं करना तो मैं वह करना जिहड़ा दास कह रहा कि ये तेरे लिए लाभ दियां गल्लां आ। बाइबल च लिखा पवित्रता च रहोगे परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे तुहाडे लिए लाभ दियां गल्लां होणगियां आमीन। टेस्ट दे विच सुनो पास होना चाहते हो पहले दिन क्लास विच जाके बंदा पास नहीं हो जाता उन्हें डिग्री नहीं मिल जाती। तुसीं पढ़े हो सारे कि पहली क्लास विच जाके पहली पास होके क्या डिग्री मिल गई हाई लेवल दी एक जमात दूजी फुल स्टडी एक स्टडी हाई फिर दूजी हाई स्टडी फिर तीजी क्लास हाई स्टडी तीजी क्लास टोपल मेहनत पहली दूजी तीजी चौथी मेहनत ते मेहनत फिर जाके एक टाइम आता जिथे तुहाडा हाई पेपर हुंदा पूरा हाई पेपर। कई लोग स्टार्टिंग सोहनी पढ़ते हैं जो जवान हो जाते हैं मुंडे ते कुड़ियां 25 साल की उम्र 24 साल 22 साल 18 साल वो स्टडी फेल हो जाती उन्होंने क्यों क्योंकि वो ऑफिसर नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने दिमाग शैतान ने फड़ लिया कोई कुड़ियां च फस गया कोई मुंडे कोई कुड़ी मुंडे च फस गई कोई यूट्यूब ते फस गया कोई फेसबुक ते फस गया कोई गलत काम च कोई जुए च फस गया कोई नशे च फस गया वो कदे भी बेस्ट टेस्ट नहीं दे सकता वो कदे भी पास नहीं हो सकता समझ आ रही है वो कदे भी वड्डा ऑफिसर नहीं बन सकता। तुसी ये ना सोचो कि अमीर लोगों के बच्चे ही ऑफिसर बन सकते हैं जे ताडा प्यो 500 भी कमांदा पर जे तुसी मेहनत करने वाले हो तो मेहनत कर कर करके तुसी पाप वल ध्यान नहीं देना दुनिया वल ध्यान नहीं देना लोगों वल ध्यान नहीं देना दिन रात स्टडी करनी दिन रात पढ़ना भावें ताडा पाप तुहानू जिद्दां मर्जी स्टडी करावे तुसी उहदा फल दोगे तुसी उहदी मेहनत करोगे 100% कह रहे हां। तुसी कहिंदे जे ऑफिसर नहीं बन सकता गरीब बंदा ऑफिसर बनेगा जे पास हो गया तो परमेश्वर भी पास कर देगा तैनू दो चीज़ां च वधना तू ध्यान नाल सुनो दो चीज़ां च एक तो परमेश्वर विच वधना एक अपनी स्टडी विच वधना एक जदों तुसी स्टडी च वधोगे एक तुसी परमेश्वर च वधोगे जदों परमेश्वर ने तुहानू पास करता तो धरती ते तुहाडी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी मसीह च कीती नहीं जाएगी ते तुसी जो अपनी लाइफ च सच्चे मन नाल कर रहे हो वह भी व्यर्थ नहीं जाएगी। समझ आ रही नहीं आ रही जे तुसी सच्चे मन नाल कोई भी काम कर रहे हो व्यर्थ नहीं जाएगा जे तुसी मसीह च मेहनत कर रहे हो भी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर ने जिन्हों पास कर दिता
उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। समझ आ रही है जानू? मैं कहता जिन्हों परमेश्वर ने पास कर दिता उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आमेन। कि तुसी चाहते नहीं है कि सानू उपरों पास मिले, कि परमेश्वर टेक मार करे तू पास हो चुका, तू विश्वासी बन चुका। क्योंकि बाइबल च लिखिया जे सोना, सुनो ध्यान दे नाल, बाइबल च लिखिया परमेश्वर परखदा आ, परख करदा इंसान दी, उन्हों हीरा बनाने परख करदा। सोने की कीमत एवें नहीं पैंदी शोरूम दे विच, जदो सोना आंदा आ उदों दा रूप अलग हुंदा है। जदो अग दी भट्ठी च जाके उन्हों तैयार किया जाता, फिर वो पॉलिश मारी जाती, फिर उस जाके मार्केट उन्हों शीशिया च लाते, एक डब्बी च लाते, उन्हों देखन तो बाद तुहाडा मन पिघल जाता है। तुसी 50,000 तोला तो दे के सोना खरीदने लई तैयार हो, क्यों? क्योंकि वो खूबसूरती तुहानू खिंचती अपने वल। समझ आ रही नहीं आ रही? परमेश्वर की चाहता है? खोटे नू चुक के हीरा बनाना चाहता है, वो तुहानू निखारना चाहता है। पर जिन्ना चिक तुसी नहीं निखरोगे, जिन्ना चिक तुहानू अग दी पट्ठी च ना पाया जाएगा, ताडी परख होवेगी, तुहानू परखिया जाएगा औखे सौखे वेले ते। हर टाइम परमेश्वर तुहानू परखेगा, चैक करूगा। तुहानू साल हो सकता बरकत ना दे, हो सकता तुहानू एक साल चंगा ना करे, वो देखेगा। जिहड़ा बंदा 7 वारी वादा करता रोज़, हाँ प्रभु मैं तेनू नहीं छड्डांगा, मैं तेनू नहीं छड्डांगा, मैं तेनू नहीं छड्डांगा, हो सकता प्रभु उन्हें 1 साल वह काम बंद कर दे, कुछ भी ना मिले उन्हें, काम भी बंद, चंगियाई भी कोई नहीं, पैसा भी कितने पासे नहीं आ रहा। पर 1 साल जो खरा रहा, चर्च आंदा रहा, प्रार्थना करता रहा, एक गल कहता रहा, परमेश्वर तू दे भावें ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मैनू दे भावें ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मैनू दे भावें ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। बोलो, तू मैनू दे भावें ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। जो तो 1 साल हो गया, दूजा साल शुरू हो जाएगा, दूजे साल हो सकता 6 महीने फिर प्रभु तुहानू कुछ ना दवे, तुसी वह भी 6 महीने बाद फिर यही गल कहना, पिता भावें दे भावें ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। जो तो 2 साल हो जान फिर तुसी वही गल कहो, परमेश्वर भावें दे भावें ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। फिर परमेश्वर चकेगा वो ऐसी कलम, ऐसा पेन, जेदे विच करेगा टेक मार, ए विश्वासी हो गया पक्का, हो गया पास, हुण इहनू दिओ सारी दुनिया दीआं बरकतां, खोल दो इहदे लई उह दरवाजा। आमेन। हुण इहनू जो नहीं मिलिया, जो इहने मंगिया उह वी दवो, ते उहदे नालो कई गुणा दुगना वी इहनू दवो। जो इहने नहीं वी मंगिया उह वी इहनू दिओ, क्योंकि इह पास हो चुका है, मैं इनू पास कर दिता है। तो जिन्हों यहोवा पास कर दे उन्हू कोई फेल नहीं कर सकता, ये वचन याद रखियो आज तो बाद। तारीफ छोटी है चर्च, समझ आ रही है ज्यादा नहीं? मैं की कह रहा, जिन्हों वो पास कर दे उन्हू कोई फेल नहीं कर सकता। कहो मैं पास होना चाहना है, हर टेस्ट विच मैं पास होना चाहना, हर इम्तिहान की घड़ी विच मैं अड़िया रहना चाहना, खड़िया रहना चाहना। आमीन। इम्तिहान की घड़ी चाहे खड़ सकते हो जे परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, उदा हौसला उदी दसली ताडे नाल रहेगी, उदा वचन ताडे नाल रहेगा। कहिंदा मैं बिंदी बिंदू तक नहीं टलन देंगा। हालेलुया। उदी आवाज़ सुनो, बाइबल च लिखिया पतरस पानी ते चलना चाहुंदा, यीशु मसीह ने कहा आ जा, उदी आवाज़ सुन के वो पानी ते चलन लग पिया। समझ आ रही है? यीशु मसीह की आवाज़ सुन के लाजर कबर चो बाहर आ गया, यीशु मसीह की आवाज़ सुन के 38 साल का दरंगी चलन लग पिया। समझ आ रही है? ताड़ी आवाज़, उदी आवाज़ ताड़े कन्ना तक पहुँचनी जरूरी है, ताड़ी आवाज़ उदे कन्ना तक पहुँचनी जरूरी है। बाइबल च लिखिया एक भिखारी अन्ना भीख मंग रहा, तो यीशु मसीह अपने चेलियां नाल तुरिया जा रहा, तुरिया जा रहा। भिखारी उठिया, दौत दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। प्रभु ने आवाज़ हो सकता सुन ली होवे, प्रभु अगे वध गया। चेलियां ने कहा चुप कर, गुरु नूं परेशान ना कर। उन्हें फिर उच्ची आवाज़ दिती, दौत दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। यीशु मसीह घूमे, क्योंकि यीशु मसीह ने उहदी आवाज़ सुन ली, सुनन तो बाद वापस आए, कहिंदे हाँ पुत्र तू मैनू आवाज़ दिती, दस मैं तेरे लिए की कर सकदा। वो कहिंदा मैं दुनिया देखना चाहुंदा। यीशु मसीह ने थुकिया, मिट्टी नू गुन्निया, उहदियां अखां ते ला दिता, कहिंदा जा अज तो बाद तू देखेगा सारा कुछ।
आमीन। तारीफ छोटी है, समझ आ रही है। प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने प्रभु ने आवाज दी, प्रभु ने सुनी। जब प्रभु आवाज देगा तुसी सुनो। जो कहता ना उठ, जे आवाज आ गई ना उत्तों, उठ पा अपनी कुर्सी छड, व्हीलचेयर छड, मंजी छड, उठ। जे असी बैठे हाए लत मेरी विंगी आ, पास्टर कहता ता खड़े हो जाओ, किदा खड़े होगा, कदे नहीं हो सकते। तुसी कुर्सी ते ही बैठे रहोगे, मंजे ते ही बैठे रहोगे। जे तुसी आवाज सुनन तो बाद कहोगे नहीं, भावे कुछ भी हो जाए, हुण मैं खड़ा होवांगा, मैनू वचन मिल गया, वचन मैनू ताकत देगा, वचन मैनू शक्ति देगा। मैं कहना भावें हड्डी इदा क्यों ना होवे, भावें हड्डी ए क्यों ना होवे, वो अपने आप सिद्धि होएगी। वचन च इन्नी ताकत है, और सौली बार जाएगी क्योंकि वचन च इन्नी ताकत है। आमेन। और सौली तुहाडे हाथ चो निकल जाएगी, वो वचन च इन्नी ताकत है। आमेन। तुसी सुनी एक गवाही मेरे होने तो पहला, कि एक एक सिस्टर एक अपनी बच्ची लई, अपनी फैमिली दे लई अनॉइंटिंग ऑयल ते वचन, ओ वचन जिहड़ा मिलिया उन्हूं, उन्हूं पता लग गया कि वचन च किन्नी पावर है। इसे करके मैं तुहाडा फोकस कित्थे कर रहा, वचन दे उत्ते, शब्द दे उत्ते। जे तुहाडा बेस बन गया ना शब्द दे उत्ते, ते तुहानूं कोई हिला नहीं सकदा। मैं तुहानूं दसा, सुनो, वो शब्द इस्तेमाल किया उन्हें, उन्हूं पता शब्द च ताकत है। साडे पास्टर सिखाउंदे आ शब्द च ताकत है, क्योंकि शब्द नाल तुसीं बच सकदे हो, बिना शब्द तो तुसीं कुछ नहीं कर सकते। इस चर्च च जे तुसीं लंबे टाइम तक चलना चाहते हो मेरे नाल, तो पूरी लाइफ तो अगे स्वर्ग तक, तो सिर्फ एक ही चीज़ है ताडे ते मेरे विच, इको ही एग्रीमेंट वचन दा। ताडे विच मेरे ते इको ही एग्रीमेंट होना चाहिए वचन दा, समझ आ रही? होर कोई डील नहीं। तुसीं वचन सुनना, मैं वचन सुनाउणा ना। हीलिंगां भविष्यवाणियां हुंदियां ही रहनगियां, हुंदियां ही रहनगियां। मैं मर भी जावांगा इत्थों चला जाऊँगा, तुसी भी, आपां सारयां ने इत्थों चले जावांगे। इत्थे पास्टर प्रॉफिट हैडन होवेगा, लोग तुहाडे बच्चे होणगे, वो काम चलता रहेगा। पर अपनी अपनी लीडरशिप की आ, एग्रीमेंट की आ, तुसी वचन सुनना, मैं वचन तुहानूं देना, प्रभु दा जिहड़ा वचन सानूं दित्ता होया। आमीन। उन्हें जाके वही है, कित्थे आ, कित्थे आ, वो खड़े हो जा। जिहदी रसौली फैमिली जे किसी की रसौली गिर के डिग पई नीचे किसी बच्ची की, हाँ वो देखो, वो देखो माता, ठीक है। मैं ऑनलाइन देख रहा सीगा, दियो जूम करो वहाँ। तो वो शब्द याद किए कि हाँ पास जी कहते ही यस, वचन में ताकत है, बोलोगे हो जाएगा। उन्होंने तेल लगाया, रसौली निकल के बाहर डिग पई। हाँ की नहीं कर सकते, तुसी तुहाडे कोल सुपर पावर है। तुसी इत्थों खाली नहीं जाते, आत्मा च भर के जाते हो, अग जाती है तेरे नाल, फायर जाता तेरे नाल, अभिषेक जाता है। अज वचन है, भविष्यवाणी है तेरे लिए, तुसी आत्मा च ग्रोथ करने जा रहे हो, ग्रोथ। उन्हें शब्द ने काम किया ना माता तेरे लाइफ च, यस रसौली निकलाई बार, यस हाँ, समझ आ रही तुहानू सारयां नू? परमेश्वर जो कर सकता, सोच के देखो, समझ के देखो, थोड़ा ठंडे दिमाग ना बैठ के सोचो, क्यों की कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता। ताड़े काम, ताड़ियाँ मुश्किलां, ताड़ियाँ बीमारियां बहुत छोटियां उदे सामने, वो बहुत उपर, बहुत हाई लेवल ते आओ, बहुत हाई लेवल ते, तख्तां दे तख्त हिला सकता वो, इन्ने हाई लेवल ते आओ। अपनियां जड़ां नूं मजबूत करो, कादे द्वारा, वचन दे द्वारा, उहदी आवाज सुनो, मजबूत हुंदे जाओ। जिवें जिवें उहदी आवाज सुनदे जाओगे, मजबूत हुंदे जाओगे चट्टान दी तरह। हालेलुया। जे उहदी आवाज सुनना बंद कर दित्ती, आशीष गई, ब्लैसिंग गई, गिर गए तुसी, फेल हो जाओगे तुसी। जिद्दां जिद्दां उहदी आवाज सुनदे रहोगे, तुहाडे ते ग्रेस बनी रहेगी। हर संडे तुसी परमेश्वर की आवाज सुनांदे हो, इत्थे ताड़ी बेटी ताड़े लिए ठोकर का कारण बन सकती है, पर तुसी रुकना नहीं। ताड़ी बेटी, ताड़ा बेटा, ताड़ा पति, ताड़ी माँ, ताड़ा पापा, कोई भी बंदा ताड़े लिए दीवार का कारण बन सकता, वो तुहानू रोक सकता परमेश्वर के घर तो, पर तुसी नहीं रुकना। अपना अपना हिसाब देना है सब ने। जे सच्चा परमेश्वर मिल चुका, मरदे दम तक ना छड्डियो, मरदे दम तक ना छड्डियो,
उस दिन तुहानू ओ चीज़ का फकर ते अहसास ते तुहाडे चेहरे ते एक वक्री रौनक होएगी। जदों दुनिया के सब तो वड्डे पापी एक पासे नरक च रोंदे होणगे ते तुसी पिता दे नाल स्वर्ग दे विच सुंदर घरां विच वसदे होवोगे। उदण अहसास होएगी तुहानू गल उदण तुहानू यह पता लगेगा कि राइट मेरा लिया हुआ फैसला सही सी। नबियां दी गल नूं सुनन तो बाद मेरे ले हुए फैसले सही सी। मैं उन्हां वचनां ते चलिया उन्हां आवाज़ नूं सुनिया मैं परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुन के मैं वचन पूरा किया मैं सही फैसला सही टाइम ते लिया। जे मैं गलत फैसला लैंदा जे मैं वचन ना सुनदा फॉलो ना करदा अज जिथे वह तड़फन डे नरक च अज मेरिया भी चीकां निकलदियां उत्थे कहिंदा उत्थे बूंद पानी दी भी नहीं मिलनी ते जाना सारिया ने एक दिन। परमेश्वर की आवाज़ सुनो उदा हाथ इन्ना छोटा नहीं कि तुहानू छुड़ा ना सकता वो तुहानू छुड़ा उदी आवाज़ सुनो उन्हू कहो वो ताड़ी सुनूगा कहो परमेश्वर छुड़ा आएगा कह बचा आएगा कह मैनू चंगा कर करेगा मैनू आशीष दे देगा तुसी उदी आवाज़ सुनो वो ताड़ी सुनेगा। हालेलुया। दिशाया उसका 9 चैप्टर उसका 1 वचन देखो उस तो बाद प्रकाश की पोथी उसका 2 चैप्टर उसका 7 वचन देखो। हालेलुया सुनो ध्यान दे नाल देखो वेख यहोवा दा हाथ छोटा नहीं यहोवा दा हाथ छोटा नहीं बाइबल च लिखिया हां पाई ओ बचावे ना ओ तैनू बचावे ना उस दे कान भारी नहीं ओदे कोई कान भारे नहीं आ पाई ओ सुने ना ओ तेरी सुने ना हां सगों तुहाडियां बदियां दे हां तुहाडे विच अते तुहाडे परमेश्वर विच जुदाई पा दित्ती सुनो ताडे कहिंदा बदियां बदियां मतलब पाप कहिंदा तुहाडे पाप ने तुहाडे बुरियां कम्मां ने तुहाडी अपनी सोच ते विचारां ने परमेश्वर दे विच ते तुहाडे विच जुदाई पाती है किन्ने एक पाप ने। पाप नूं सैपरेट करो तुहाडे ते जे परमेश्वर विच जुदाई पै गई ना उहने तुहाडी सुननी ना तुसी उहदी सुन पाओगे तुसी उहदे तक पहुँच नहीं पाओगे ना तुसी उहनूं सुना पाओगे ना सुन पाओगे। फिर जिन्नी मर्जी प्रार्थना कर लईए साड़ी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आएगा क्योंकि ना उन्हें सुननी तो ना उन्हें सुनोनी क्योंकि जदों बदी बदी दीवार नूं पैदा कर दी कहिंदा बाइबल च लिखिया दीवार मतलब दीवार ताड़ियां बदियां दे कारण उस दे विच ते ताड़े विच विछोड़ा पै जाएगा दीवार खड़ी हो जाएगी ताड़े पापां दे ताड़ियां गलतियां दे साड़ी मूर्खताई दे कारण। असी जदों निक्कियां निक्कियां गल्लां ते गौर नहीं करदे पाप करदे रहने ध्यान नहीं दिंदे उही पाप साडे लई नुकसान दा कारण बनदा कि साडा रब नाल विछोड़ा पै जांदा। तो मैं नहीं मेरे हिसाब नाल कोई बंदा नहीं चाहूगा जे वह आत्मा विच समझदार है कोई इंसान प्रभु दे नाल विछोड़ा पसंद नहीं करूगा। करोगे तुसी विछोड़ा पसंद परमेश्वर नाल हाथ उठाओ कोई करूगा नहीं करूगा हाथ उठाओ जिहड़े नहीं करनगे राइट मैनू खुशी होई देख के सुनो ध्यान दे नाल कोई भी परमेश्वर नाल विछोड़ा पसंद नहीं करूगा पर तुहानू पता पाप विछोड़े का कारण है। जे पाप आएगा तो विछोड़ा आएगा जरूर आएगा क्योंकि परमेश्वर पाप नाल रिश्ता नहीं बना सकता। जे साडे अंदर पाप है तो पाप दे नाल वो रिलेशन नहीं बना सकता वो रिलेशन बना सकता तो ताडे नाल ताडी पवित्रताई दे नाल रिलेशन बना सकता पाप नाल वो रिलेशन नहीं बना सकता पाप नाल उहदा कोई लेना देना नहीं है पाप नाल उहदा कोई रिश्ता नहीं है। समझ आ रही है पाप नाल उहदा कोई रिश्ता नहीं है उहदा जे रिलेशन है तो ताडे नाल है पवित्रताई दे नाल है। जे तुसीं परमेश्वर नूं देखना चाहते हो तुहानूं पवित्र रहना पएगा उहदी आवाज़ सुनना चाहते हो तुहानूं पवित्र रहना पएगा। वह कहिंदा मेरा हाथ इन्ना छोटा नहीं जो मैं तैनूं कढ नहीं सकदा जां छड़ा नहीं सकदा मैं कोई इन्ना बहरा नहीं हाँ जो मैं तेरी सुन नहीं सकदा कहिंदा मैं तेरी सुन सकदा तू सुनाउण वाला बन ते सुन वाला बन फिर वेख जे तू मेरे नाल लीडरशिप च रहेगा तो मैं तेरी पदवी नूं उच्चा कर देंगा कहिंदा कौमां तो उच्चा होवेगा तू। तारीफ छोटी है चर्च चोर से बोलो हालेलुया विश्वास करो परमेश्वर ताडे नाल आमीन। मैं कहिंदा विश्वास करो परमेश्वर आपके साथ विश्वास करो प्रभु ताडे नाल अपनिया अपने अपने अपनिया जड़ां नूं मजबूत करो। हुण बूटा लग्या है इन्हें मैं मुंडे नूं कहांगा पट दे ये पट दूगा इहनूं ए बूटे नूं इहनूं लगे नूं कितना टाइम होया साल होया ये मजबूत नहीं है जड़ां हले थले तक नहीं गईआं
ये फेल हाले पास नहीं है बुरा है, इनू तो तू फड़ के पट देगा, पढ़ देगा ना, तो चल मेरे पिंड चल 70-80 तो पुराना 70-80 साल हो गए उन्होंने पुराने बोर्ड में, उन्होंने पट के दिखा नहीं पढ़ सकता, वो जड़ा इन फैल गई हैं, उन्होंने पट्टना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने जाके वो टाणा भी नहीं हिला सकता। समझ आ रही है? इनू पट्टना बहुत आसान है, उस बोर्ड में पट्टना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 70 साल तो उदियाँ फैल गए, उदियाँ जड़ा फैल चुकिया, मजबूत हो चुका है। समझ आ रही है? 15 मिनट वाली प्रार्थना करने वाला, महीने बाद चर्च आने वाला, ना प्रार्थना करने वाला मतलब ना बाइबल पढ़ने वाला, 15 मिनट की प्रार्थना करने वाला, 2 मिनट की बाइबल पढ़ने वाला, हफ्ते बाद महीने बाद प्रभु भोज लै आने वाला, मतलब महीने बाद मीटिंग करने वाला, चर्च आने वाला, जिदा प्रभु ना कोई लेना देना इन्ना गुड रिश्ता नहीं है, उन्हू शैतान एक झटके नाल पट दूगा, उहदे लई उह सामने उहदे कच्चा है, उन्हें पता है कच्चा इहदा बेस नहीं तैयार हैगा, उहदे लई तुसीं एक बूटे की तरह इदा कच्चा बूटा वह फड़ूगा पट दूगा, ताहीं तो बाइबल च लिखिया नवा चेला ना हो फुलिया फुलिया शैतान के हत्थे ना चढ़ जाए, उन्हें खिलार देगा। समझ आ रही? एक साल के बंदे दी एक साल के बूटे दी जड़ां इन्नियां मजबूत नहीं होंदियां। तो एक गल याद रखो, जे ताड़ी प्रेयर 2.5-3 घंटे रोज़ आ, संडे चर्च तू ही नहीं छड़ रहे, आना ही आना जो मर्जी हो, नेरियां तूफान अज देखो तो किवें चर्च भरिया होया, भावें अज कितना मीं सीगा, हाँ तिलकन होई पई आ, गड्डियां भी तिलकन दियां, बंदे तिलकन डे आ, तुसी फिर भी सारे इत्थे हो, तुसी लॉकडाउन च भी नहीं रुके, मीहां च तुसी नहीं रुकते, नेरियां च तुसी नहीं रुकते, तूफाना च तुसी नहीं रुकते, तुसी इत्थे हो, कल्ले इत्थे नहीं रहोगे, उहदे सिंघासन के सामने भी होवोगे। सच्चा प्रोमिस कर रहा तुहाडे नाल, आत्मा मेरे अंदर क्लीयर कर रहा, सच्चा प्रोमिस कर रहा परमेश्वर का आत्मा तुहाडे नाल, उत्थे भी इदे होवोगे, तुसी इन्हां नेरियां ते तूफाना की परवाह नहीं करनी, किहड़ी नेरी ते किहड़ा तूफान ते किहड़ी तत्ती लो सानू परमेश्वर के प्यार तो जुदा कर सकती, नो आमे। किन्हां नूं समझ आ रही मेरी गल? ताड़ियां जड़ां मजबूत हो चुकियां, ते भावें लख करोड़ दुष्ट आत्मा भी आ जाण, वो तुहानूं उखाड़ नहीं सकदियां, उहनूं पता लग जाएगा, ए बंदे नूं हुण पटना मुश्किल है।